गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज अपन बेसिक केमिस्ट्री के अंदर जो मोल कंसेप्ट था उसी मोल कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज मैं एक चार्ट बता रहा हूँ और चार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। देखिए मैंने मोल के बारे में बताया था कि मोल एक क्वान्टिटी को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट है जिससे अपन किसी मॉलिक्यूल की या किसी भी सब्सटेंस की या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अब देखिए जनरली अगर मैं मोल की बात करूँ तो मोल को एक टर्म ऑफ पार्टिकल्स अगर मैं बात करूं तो देखो पार्टिकल की टर्म में मैं क्या क्या ले सकता हूं, नंबर ऑफ एटम्स ले सकता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले सकता हूं, या नंबर ऑफ आयंस ले लूं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लूं, या नंबर ऑफ प्रोटॉन में ले लूं। तो नंबर इधर टर्म ऑफ पार्टिकल्स की बात की जाए तो ये किसके इक्वल मान जाता है, एक मोल इक्वल मान जाता है किसके, 6.023 के, यानी वन मोल जो होगा वो इक्वल होगा अवोगाड्रो नंबर के, यानी वन मोल जो होगा वो इक्वल होगा 6.023 × 10³ पार्टिकल्स के या मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इन टर्म ऑफ वॉल्यूम तो मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने ये कहा था कि अगर मोल्स निकालना है, देखिए एक मोल अगर मैं इसको देखूँ एक मोल के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो एक मोल के रिस्पेक्ट में किसके इक्वल होगा इन टर्म ऑफ वॉल्यूम 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। देखो जो जनरली स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड अपन मानते हैं या जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मोल होगा वो किसके इक्वल होगा 22.4 लीटर ऑफ गैस। अब अगर आपको याद हो तो मैंने यहीं पर अगर मैं मोल की बात करूँ तो मोल का फॉर्मूला लिखा था मैंने वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP और NTP अपॉन 22.4 लीटर, ये अपने पास फॉर्मूला था, याद होगा आपको। ठीक है, तो एक मोल जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास वॉल्यूम एट NTP किसके इक्वल हो जाएगा 22.4 लीटर ऑफ गैस के इक्वल हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टर्म ऑफ मास, क्या कह रहा हूँ मास के टर्म में अगर मैं बात करता हूँ तो ये कह रहा है सबसे पहले कि 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, किसके बात कर रहा हूँ 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट की बात करूँ तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं कार्बन एटम की बात करूँ तो वहाँ इसका मास किसके इक्वल हो गया 12 ग्राम के इक्वल हो गया, यानी एक मोल 12 ग्राम के इक्वल हो गया। ऐसे अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो एक मोल किसके इक्वल हो गया 23 ग्राम ऑफ सोडियम एलिमेंट के इक्वल हो गया। ऐसे अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूल्स की बात करूँ किसी सब्सटेंस के अंदर तो ये कह रहा है कि जो 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर अपन जानते हैं दो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, अगर मैं दो हाइड्रोजन की बात करूँ इसका मास कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया 16, दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये 18 ग्राम ऑफ H2O के 1 मोल इक्वल होगा। ऐसे ही अगर मैं 44 ग्राम ऑफ CO2 की बात कर रहा हूं तो किसके इक्वल होगा 44 ग्राम ऑफ CO2 के इक्वल होगा तो मोल इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से मैं दो क्वेश्चन छोड़ लिए हैं, अगर मैं ऑक्सीजन एटम के रेस्पेक्ट में देखूं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में देखूं तो अगर मैं कहूं कि एक मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो भी किसके इक्वल होगा 6.023 × 10³ के, और एक मोल ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 6.023 × 10³। देखिए याद कैसे किया था आपको, याद हो तो मैंने लिखा था मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, और एक लिखा था मैंने मोल इक्वल टू N0 अपॉन N नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो देखिए अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तो जो मोल होगा वो किसके इक्वल होगा अवोगाड्रो नंबर के, अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूंगा, देखो यहाँ से देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूंगा या नंबर ऑफ एटम्स निकालूंगा तो जो अवोगाड्रो नंबर होगा वो किस मल्टीपल होगा N के, तो यहाँ जितना मोल होगा वो उसी के अवोगाड्रो नंबर के या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको निकाल सकता हूँ, जैसे अगर आपको याद हो तो एक मोल मैं याद रहा हूँ कि एक मोल लिख रहा हूँ, अब देखो नंबर ऑफ एटम्स की बात करें और अवोगाड्रो नंबर की बात करो 6.023 × 10³ होता है, अगर मैं ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की बात करूँ तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास अपन जानते हैं कितना होता है, जनरली मोलर मास कितना होता है, मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितना होता है 32 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर मैं मास की बात करूँ मोल दे रखा है एक मोल तो यहाँ एक मोल हो गया और N0 में निकाल सकता हूँ यहाँ से, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो तो इसको ऐसे देख लो सिंपल सा कर लो, मेरे को क्या निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकालने तो N0 इक्वल टू क्या हो गया 1 मोल
इनटू एनी, यानी किसके इक्वल हो गया ये 6.023 इंटू 10 to power 23 के। अगर मैं आपसे मोल निकलवा दे, मोल कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं अपने पास 6.023 इंटू 10 to power 23, और एन ए कितना है 6.023 इंटू 10 to power 23, तो किसके इक्वल हो रहा है 1 मोल के इक्वल हो रहा है, यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसके इक्वल हो जाएगा 6.023 इंटू 10 to power 23 के इक्वल हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसे देखिए, कल जो मैंने लास्ट जो वीडियो लेक्चर था अपना, इससे पहले वाला, उसमें मैंने मोल के कुछ फॉर्मूले बताए थे। आज उन्हीं फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें अपन ने मोल के बारे में डिस्कस कर लिया था, और मोल के कुछ फॉर्मूले बताए थे। तो मोल के फॉर्मूले थे मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास। फिर मैंने मोल इस पर लिया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ये अपने पास दो फॉर्मूले थे। इसके साथ में एक तीसरा फॉर्मूला था, मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर। ये अपने पास तीन फॉर्मूले थे। अब देखिए, इन तीनों फॉर्मूलों को अगर मैं इक्वल करता हूँ, मिक्स करता हूँ, तो मेरे पास देखो, इन दोनों को बेसिस पे देखूँ तो मेरे पास क्या हो गया, मोल इक्वल टू क्या हो गया, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अगर मैं इसको देखूँ, मोल इज इक्वल क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर। तो इस तरह से अपने पास ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, हो सकता है मास दे दिया जाए और फिर आपसे मोल पूछ लिया जाए, हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल दे करके आपसे मोल पूछ लिया जाए, हो सकता है वॉल्यूम दे करके आपको मोल पूछ लिया जाए, या हो सकता है इन दोनों के रिस्पेक्ट में पूछ ले, या हो सकता है इन दोनों के रिस्पेक्ट में पूछ ले, या हो सकता है इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ ले। तो इस तरह से ये फॉर्मूला अपने पास यूनिवर्सल फॉर्मूला बन गया, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं जनरली, देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चंस की बात करूं, इसको रखकर देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं मास के रिस्पेक्ट में। देखिए, अगर मैं बात करूं मास के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास क्वेश्चन है पहला, मास ऑफ 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, आपको मास बताना है। फिर दूसरा है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तीसरा अपने पास है 10 मोल्स ऑफ एनएसीएल, 10 मोल्स ऑफ एनएस कर दो या एनएसीएल कर दो, चलिए एनएसीएल ले लीजिए, एक और ले लीजिए 4 मोल्स ऑफ एनएस। आपको आपको देखना है क्या निकालना है अपने को, मास ऑफ सब्सटेंस क्या होगा। देखो, इसमें ऐसा है कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये कैसे देखोगे आप, तो आपके पास क्या दे रखा है, आपको मोल मोल दे रखा है, और क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है। आपको मोलर मास निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोलर मास अपन जानते हैं, जो एटम या मॉलिक्यूल होगा उसी का अपन मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, तो नाइट्रोजन कितना होता है, 14 होता है। एल्यूमिनियम कितना होता है, एल्यूमिनियम का अप्रोक्सीमेटली अपने पास होता है 27। एल्यूमिनियम कितना होता है अपने पास 27। और अगर मैं एनएसएल की बात करूं, तो एनए का कितना होता है 23 प्लस सीएल कितना होता है 35.5, कितना हो गया 58.5 हो गया। एनएस की बात करें तो 23 प्लस एक ऑप्शन के लिए 16 प्लस एक आर्डन के लिए कितना हो गया 1, टोटल कितना हो गया 40। तो इस तरह से अपन मोलर मास तो अपन आसान से निकाल सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले बात करें मास कैसे निकालेंगे, तो मास का फॉर्मूला था अपने पास मोल इंटू, यहां से बना लीजिए मास निकाल कर मोल इंटू मोलर मास ये लीजिए। ठीक है, अब देखिए अपने पास मोल दे रखा है, कितना पहला क्वेश्चन है, तो 1 मोल दे रखा है,
और उसका एटॉमिक मास कितना हो गया 14, तो टोटल मास कितना आ गया 14 ग्राम आ गया। ये अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें अपन एल्यूमिनियम एटम के रिस्पेक्ट में, तो देखिए अपने पास मास निकालना है, मोल अपने पास दे रखा है और मोलर मास अपन जानते हैं, ठीक है। तो मोल कितना दे रखा है अपने पास 4 मोल्स, मोल्स कितने हैं 4 मोल्स, और एल्यूमिनियम का एटम मास कितना होता है 27, तो ये कितना हो गया 7 4 28 8 2 और 2 8 108 ग्राम अपने पास आ जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ तीसरे की, तो 10 मोल्स दे रखे हैं और NaCl का मोलर मास कितना होता है 58.5, ये लीजिए 58.5, इसको डाल लीजिए कितना का 10 से क्या कितना का 58.5 ग्राम आ गया। ऐसे चौथा क्वेश्चन देखिए, 4 मोल्स ऑफ एनियस, क्या दे रखा है 4 मोल्स ऑफ एनियस, ऑनियस का मोलर मास कितना हो गया 40 ग्राम, तो मास इस बल्ड क्या हो गया मोल इंटू मोलर मास, मोल कितना है 4, मोलर मास कितना दे रखा है 40, कितना हो गया 160 ग्राम। इस तरह से अपन क्या करेंगे मास के रेस्पेक्ट, मास कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका क्वेश्चन अपन ने देख डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए आगे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ NaCl। क्वेश्चन ये है हाउ मेनी, क्वेश्चन लिखना होगा, क्वेश्चन देखना हाउ मेनी सोडियम एटम, ऐसे लिख लेते हैं हाउ मेनी सोडियम एटम्स आर प्रेजेंट इन 4 मोल ऑफ Na। देखो ये क्वेश्चन अपने पास बन गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एंटिटीज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ एंटिटीज पूछ रहा है, किसके सोडियम की। अगर नंबर ऑफ एंटिटीज है और अवगाधर नंबर, देखो नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखे हैं तो अपन समझ लेंगे कि मॉलिक्यूल क्या हो गया N0 / Na होगा। अगर आपको पास देखा जाए तो मोल अपने पास दे रखा है 4 मोल और अपने पास N0 पूछ रहा होगा तो नंबर अपन जानते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो अपने पास मोल इस बेटो क्या हो गया N0 / Na हो गया। अगर मैं मोल की बात करूँ कितना दे रखा है 4 मोल, 4 दे रखा है इस गल टू N0 अपने को निकालनी है, Na कितना गया। देखो सबसे पहले सोडियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड के अपने को एटम्स देखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल पहले पता लगाना है कि 4 मोल में Na कितने मॉलिक्यूल होंगे, उसके बाद में अपन क्या निकालेंगे सोडियम एटम्स निकाल लेंगे। तो यहाँ अपने पास क्या हो गया N0 / 6.023 × 10³, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ सबसे पहले इस 4 मोल में Na कितने होंगे, तो ये हो गया अपने पास 4 × 6.023 × 10³। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 24.09 × 10³, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ये आ गया अपने पास N0। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 4 मोल में सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल हैं, क्या कह रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल एनियस मॉलिक्यूल इन 4 मोल। अब देखिए आपको याद रखना है कि इसमें NaOH के कितने मॉलिक्यूल, देखो NaOH में Na कितना एटम है एक एटम, वन एटम प्रेजेंट अपने पास NaOH के अंदर, तो इतने NaOH में, इतने NaOH में, इतने NaOH में सोडियम कितने एटम होंगे, जैसे बाद इतने एटम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 24 × 24.09 × 10³, ये लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ जितने भाई 4 मोल में NaOH इतने मॉलिक्यूल थे। अब देखो एक NaOH में सोडियम कितना एटम है एक एटम है, तो जितने एटम है उनको टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज से क्या कर दो मल्टीपल कर दो, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स का पता चल जाएगा। यानी 4 मोल में NaOH कितने एटम्स हो गए अपने पास 24.09 × 10³ एटम्स अपने पास हो गए। चलिए नोट कर लीजिए इसको, देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो इन फॉर्मुलों में कैसे अप्लाई होंगे वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5 मोल ऑफ H2O। देखो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, देखो सीधा सीधा वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ एंटिटीज,
इन नंबर ऑफ एंटिटीज किसके इक्वल हो रही है, 90 अपॉन Na के। मोल अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 5 मोल, ठीक है। अपने को क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है Na में इससे मल्टीपल कर दूंगा Na से, ये क्या हो जाएगा 6.023 इनटू 10 टू पावर 23। तो यहां N0 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इन पाइप में कितने होंगे, 5 इनटू 6.023 इनटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इसको आप मल्टीपल कर लेना। अब देखिए यहाँ से अगर एक क्वेश्चन और देखा जाए कि इस 5 मॉलिक्यूल जो मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए उसमें कितने एटम होंगे वाटर के, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया अपन ने। क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स इन 5 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, क्या पूछ रहा है कि इस H2O मॉलिक्यूल के 5 मोल में कितने एटम्स होंगे, तो वही N0 की बात कर रहा है, नंबर ऑफ एंटिटीज की बात कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले अपन ने क्या कर लिया, अपन ने सबसे पहले ये पता लगाना है कि इस 5 मोल में H2O कितने मॉलिक्यूल होंगे। जब अपने को ये पता चल जाएगा तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उनको इस H2O के अंदर कितने एटम है, 3 एटम है, उससे अपन क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे। तो देखिए इसको मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ कि मैंने N0 इक्वल टू मोल इक्वल टू क्या देख लिया, मोल इक्वल टू N0 अपॉन Na रख लिया। अब देखो मोल की तरफ देखा 5 मोल, सबसे पहले क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन 5 मोल, ये पहले पता लगाना है, ठीक है। तो 5 मोल थे, N0 अपने को निकालना है और ये 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 था, तो N0 मैं निकाल दूंगा 5 इंटू 6.023 इंटू 6.023 10 टू पावर 23। अब देखो कितने मॉलिक्यूल हो गए वो चेक कर लीजिए, 15 हो गया, ये हो गया 30.11 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल, ये क्या है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, क्या है ये वाटर के मॉलिक्यूल है, किसमें 5 मोल ऑफ H2O के अंदर। अब देखिए यहां से मैं क्या निकालूंगा, जब मेरे को पता है कि 5 मोल में H2O कितने मॉलिक्यूल है, इतने मॉलिक्यूल है। अब देखो एक H2O मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन के, कितने एटम्स है टोटल एटम्स अपने पास 3, तो 3 एटम्स हैं ये। तो ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने को पता चल गया इतने हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3 एटम है, तो इन सभी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो ये हो जाएगा 30, इससे मल्टीपल हो जाएगा 3 इंटू 30.115 इंटू 10 टू पावर 23। देखो ये टोटल नंबर ऑफ एटम इन H2O आ गया इतने में 5 मोल में। अगर ये आपसे पूछता कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स होते, तो देखो एक एटम है यहाँ पर ऑक्सीजन का H2O के अंदर, तो इसको मैं क्या करता 1 से मल्टीपल कर देता। अगर यहाँ हाइड्रोजन के एटम्स पूछता तो यहाँ हाइड्रोजन कितने एटम है, 2 एटम, तो यहाँ मैं इसको कितने मल्टीपल करता, 2 से मल्टीपल कर देता, तो ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आ जाता। और अगर यहाँ पूछा अपन ने टोटल नंबर ऑफ एटम, तो एक H2O में 3 एटम है, तो 3 एटम को क्या कर दूंगा टोटल मॉलिक्यूल्स से क्या कर दूंगा मैं मल्टीपल कर दूंगा, इस तरह से मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट कर लूंगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब सेम इसी तरह क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। सेम क्वेश्चन है, सेम का सेम, आप करके देखिए एक बार, करिए आप, चालू कीजिए, करिए आप वीडियो को पॉज करके आप इसको क्वेश्चन को करिए, ठीक है, हो गया। अब देखिए आप मैच कीजिए इसको, मैंने क्या कह रखा है 9.2 ग्राम ऑफ H2SO4। अब देखो फॉर्मूला क्या है, मेरे को मास दे रखा है, क्या दे रखा है मास दे रखा है, फिर मेरे को क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। तो देखो इन दोनों फॉर्मूलों का मैं यूज कर सकता हूँ, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू N0 अपॉन Na। तो सबसे पहले मैं एटम्स निकालू, उससे पहले मैं क्या निकाल लूं कि इस मॉलिक्यूल 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 में H2SO4 के कितने मोल है ये मैं पता लगा लूं। अगर मेरे को सबसे पहले मोल पता चल जाएंगे, फिर मोल पता नहीं लगाने से मैं क्या निकालूंगा नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 मैं निकाल लूंगा। तो देखिए मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू N0 अपॉन Na, मैं यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। देखो एक तो पहले मैं मोल निकालू, यहाँ से मास अपॉन मोलर मास से मोल निकाल करके फिर मोल को N0 अपॉन Na से कैलकुलेट करूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या मैं सीधा यहाँ रखूँ मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू N0 अपॉन Na। अपन यहाँ पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 निकालेंगे। अब देखो H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन एटम है, क्या है 4 ऑक्सीजन एटम है, तो कितना हो गया 2 प्लस 32 प्लस 64, टोटल कितना हो गया 6 2 8 2 हाइड्रोजन का हो गया 4 2 4 8 6 3 9 98 ग्राम
आइसोसोमर का मोलर मास हो गया। तो देखिए यहाँ से रख लीजिए इसकी वैल्यू, तो 9.8 अपॉन 98 इज इक्वल टू N0 अपॉन Na, Na की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10 to power 23। तो यहाँ इसको हटा दीजिए, जीरो लग जाए, ये आ जाएगा 1/10 इज इक्वल टू N0 अपॉन 6.023 इंटू 10 to power 23 आ गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, इसको यहाँ लीजिए 6.023 इंटू 10 to power 23 अपॉन 10, ठीक है, ये 10 सेट कर दीजिए, कितना हो गया 22। यानी अपने पास नंबर ऑफ एस्ट्रोसोफोर मॉलिक्यूल इन 9.8 ग्राम कितना आ गया, 6.023 इंटू 10 to power 22 आ गया। अब देखिए ये अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 9.8 ग्राम ऑफ एस्ट्रोसोफोर अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब अपने क्या निकालना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो देखो एक एस्ट्रोसोफोर में कितने एटम है, 4 ऑक्सीजन के, एक सल्फर का 5, और 2 कितने हैं हाइड्रोजन के, तो टोटल कितने हो गए 7 एटम्स हो गए इसमें। देखो 4 एक 5 और 2 7। तो अगर मैं नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 से मल्टीपल कर दूंगा। बात समझ में आई, 22 है ना रखना, तो ये हो गया 21, 5, 42, ये लीजिए, यानी 42.151 इंटू 10 to power 23 एटम्स ऑफ एस्ट्रोसोफोर आर प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम ऑफ एस्ट्रोसोफोर। अगर यहाँ से आपको हाइड्रोजन के एटम निकलवाता तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता, देखो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किससे मल्टीप्लाई करता, 2 से मल्टीप्लाई करता। अगर सल्फर के रिस्पेक्ट में देखता तो 1 से मल्टीप्लाई करता, और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखता तो इससे मल्टीप्लाई करता 4 से। तो जो टोटल आ रहा है उसको भी अगर आप सम करोगे तो भी कितना आएगा, 42.151 इंटू 10 to power 22 नंबर ऑफ एटम्स ही आएगा। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आखिर समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन इजी है समझना, एक बार समझ में आ गया कि पूरा मोल कंसेप्ट आपके हाथ में जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मैं इसको यहाँ से रख कर देता हूँ तीनों क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर ऑफ मोल्स इन 224 लीटर गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। तो सिंपल सा है, तो यहाँ से अपने पास वॉल्यूम दे रखा है 22.4 लीटर दे रखा है, तो सीधे सीधा मोल निकल जाएगा। तो मोल इज इक्वल टू क्या है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ गैस कितना देगा, 224 अपॉन 22.4, ठीक है, ये हटा दीजिए, यहाँ 10 लग जाएगा, ये आ गया, तो कितना आ गया 10 मोल्स ऑफ गैस का आ गया, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 80 ग्राम ऑफ NaOH। सिंपल सा है, वही ये वाला कंसेप्ट लग गया। अब देखो क्या कह रहा है, 28 ग्राम तो मास दे रखा है, मोलर मास अपन जानते हैं इसका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने हैं N0, और ये अवोगाद्रो नंबर हो गया। तो देखिए मास कितना दे रखा है 80 ग्राम, मोलर मास कितना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 23 सोडियम के, 16 ऑक्सीजन के, और हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हो गया 40, ठीक है। N0 अपने को निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अवोगाद्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 to power 23, ठीक है बच्चों। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको वैसे सॉल्व कर लीजिए, पहले कितना हो गया 2 आ गया, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 6.023 इंटू 10 to power 23, कितना हो गया 640.12, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 80 ग्राम ऑफ NaOH आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। अगर आपसे यहाँ से NaOH सोडियम के एटम पूछता तो मैं क्या करता, उसको वन से मल्टीप्लाई करता पूरे को। फिर अगर मेरे पास यहाँ पर NaOH के टोटल एटम्स होता तो टोटल कितने हैं 3, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता, तो टोटल मॉलिक्यूल्स तो अपने पास इतने आ गया ना। अब अगर मेरे पास एक एक एटम को पूछता तो एक सोडियम एटम का ये आ जाएगा, एक ऑक्सीजन के एटम का ये आ जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम का ये आ जाएगा, लेकिन टोटल एटम्स की बात करता तो 3 टोटल कितने हैं 3 एटम है, तो इसको फिर मैं क्या करता 3 से और मल्टीपल कर देता, तो 80 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ NaOH भी पता चल जाता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप इनसे रिलेटेड जो मेरे क्वेश्चंस थे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए देख लिया ना, कंप्लीट वीडियो वॉच करना है, जहाँ डाउट हो उसको क्लियर करना है, दिक्कत आए तो फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिटो अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार आप इस वीडियो लेक्चर को रिवाइंड कर लीजिए, आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर समझ में आएगा, ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।